नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी है क्या, ग्रीन टी को प्रयोग कैसे करना। मैंने देखा हज़ारों वीडियोस बना दी लोगों ने ग्रीन टी के ऊपर, लेकिन कोई भी सही तरह से बताने को तैयार नहीं है कि ग्रीन टी है क्या और उसको कैसे प्रयोग करना। सबको ग्रीन टी नहीं पीना होता भाई। मैं आपको जो भी बताऊंगा, मैं ऋषियों के दिए हुए ज्ञान से, परंपरागत दिए हुए ज्ञान से बताऊंगा। आप कतई ये ना समझें कि मैं आपको किसी चीज़ का कुप्रचार कर रहा हूँ या किसी चीज़ से आपको हटा रहा हूँ। ग्रीन टी पीनी चाहिए, लेकिन ग्रीन टी जिनको वायु रोग है, गैस की प्रॉब्लम है, उनको नहीं पीनी चाहिए। जिनको एसिडिटी है उनको ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। जिनकी बॉडी पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्राई है उनको ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। ग्रीन टी उनको पीनी चाहिए जिनकी बॉडी ऑयली है, जिनकी बॉडी में एक्सेस में फैट है। इसलिए ग्रीन टी को कई लोग करते क्या है कि बस शौक पड़ गया कि मुझे पतली होना है, मेरा तो पेट देखो ज़्यादा है, मेरा तो पेट ज़्यादा है। लेकिन ये नहीं समझते कि अगर आपकी बॉडी ड्राई है, ड्राई बॉडी, ड्राई बाल हैं, तो अगर आपने ग्रीन टी पी ली या पीनी शुरू कर दी तो आपके बाल झड़ेंगे, आपको चेहरा डल हो जाएगा। ये चीज़ें समझिए। ग्रीन टी बहुत ही एक लाभदायक औषधि की तरह है। हम इसको औषधि की तरह प्रयोग करें, इसको डाइट का हिस्सा ना बनाएं। कई लोग बोलते हैं एक कप ग्रीन टी पीजिए रोज़ आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। ग्रीन टी कभी कभार पीनी चाहिए, और पीनी भी हो तो 2-4-5-10 घूंट पीनी चाहिए। औषधि इतनी ही पीनी चाहिए, इसको इतना खुराक ना बनाओ। कई लोग 3-3 बार ग्रीन टी पीते दिन में। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप इतनी ग्रीन टी पियेंगे तो आपके ब्रेन तक खुश्क हो जाएगा। और ब्रेन खुश्क होने से सबसे पहला फिर काम होता है, आप एंग्जियस फील करते हैं, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं किसी को भरमा नहीं रहा, लेकिन मैं सही ज्ञान से आपको अवगत करा रहा हूँ कि अगर आपने ज़्यादा प्रयोग किया ग्रीन टी का ज़रूरत से, तो आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, मैंने देखा है। ग्रीन टी को कभी कभार प्रयोग करें, खासकर जब आपको कफ जुकाम हुआ, ऐसी स्थिति में ग्रीन टी बहुत मदद करती है। अदरवाइज ग्रीन टी है क्या, चाय ही तो है, थोड़ी कम फर्मेंटेड है इसलिए ग्रीन टी बोल दिया इसको, और ज़्यादा हो जाती तो उसको टी बोल देते। इसलिए पुराने समय में जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आए हमारे हिंदुस्तान में और इन्होंने चाय बांटनी शुरू की, कोई पीता नहीं था। क्यों? क्योंकि सब जानते थे ये खुश्क है, क्योंकि पहली बार पी के ही गला खुश्क हो जाता था। अब तो लोगों को थोड़ी हैबिचुअल भी हो गए, पता नहीं चलता, लेकिन पुराने बुजुर्ग तो डरते थे, अरे अरे चाय पी रहा है, इसमें दूध डाल नहीं तो मर जाएगा इतना, और लोग इसको बिना उसके पी रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ग्रीन टी बुरी है, लेकिन समझिए किसको देनी है। जिसको हीट बॉडी में ज़्यादा उसको नहीं देनी, जिसकी बॉडी में हीट कम है और कफ है, कफ का मतलब है गले में खरखरी है या बॉडी में कफ ज़्यादा है, फैट बहुत है, ऑयली बॉडी है, ऐसे लोगों को ही ग्रीन टी पीनी है। नमस्कार।